Hello friends, I hope you all are well. I, Abhishek, on behalf of BioZoom Classes, welcome you all. कल हमने HCF और LCM के आधार पर कुछ questions किए थे. I hope वो सबको clear हो गए हों. अगर आपको फिर भी कोई doubt है, तो comment section में जरूर mention करिएगा. आज हम lecture 5 की शुरुआत करेंगे. इसका topic है averages. Averages अपने जिंदगी में काफी बार use किया होगा और सुनने में भी आपके बहुत आता होगा. कि गर्मियों में एवरेज 40 डिग्री तापमान रहता है, सर्दियों में एवरेज तापमान 10 डिग्री रहता है, या फिर मैं अपने एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मेरे बैचेस में लगभग 50 स्टूडेंट्स आते हैं एवरेज. ठीक है, तो इसका टोटल मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं आपको एक बार बाई डेफिनेशन से भी बता देता हूँ. एवरेज रेफर्स टू द सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द ग्रुप. एन एवरेज इज ऑल्सो नोन एज अ मीन. इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज रेफर्स टू द, एवरेज का आप फॉर्मूला लिखिए इसी के आधार पर जो डेफिनेशन दे रखी है. देखिए एवरेज, ये आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ. एवरेज इक्वल टू क्या दे रखा है, एवरेज रेफर्स टू द सम ऑफ ग्रुप वैल्यूज, सम ऑफ ग्रुप वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज. अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था कि मेरी क्लास में एवरेज 50 बच्चे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम 10 बैच लगाते हैं और टोटल बच्चे आते हैं 500, तो मैंने एवरेज कैसे निकाली, 500 लिया सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस को नीचे रखा, तो एवरेज कितनी आ गई आपकी 50. इसलिए मैंने बोला कि एवरेज मेरी क्लास में 50 बच्चे आते हैं. वो किसी बैच में 10 भी हो सकते हैं, किसी बैच में 20 भी हो सकते हैं, और किसी बैच में 100 भी हो सकते हैं, पर टोटल. फिर मैंने क्या किया, उन सबरे जितने भी 10 बैचेस में स्टूडेंट आते हैं सबको एड कर दिया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बैच कर दिया, इससे मेरी एवरेज आ जाती है. अब कई क्वेश्चन में हमें क्या होता है, हमारे पास एवरेज गिवन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, एवरेज इक्वल टू एवरेज, हमें एवरेज दे रखी होती है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया होगा. एवरेज गिवन होगी और नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया होगा, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू टोटल सम. एक ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफी आने वाले जगह पे काफी यूज होगा. हम इसके आधार पर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूं. देखिएगा, बिल्कुल काफी बेसिक एग्जाम्पल है, हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दे रखे हैं, 8, 9, 12, 13, 15, 9. हमें इन सब की एवरेज निकालनी है, तो पहले हम एवरेज निकालने की कि क्या करेंगे, सबका टोटल कर देंगे. एवरेज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9. नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6. अब टोटल कीजिए आप, 8 प्लस 9 17 17 प्लस 12 29 29 प्लस 13 42 42 प्लस 15 57 57 प्लस 9 63 63 डिवाइडेड बाय 6. ये एवरेज आ गई आपकी, ये एक बारी 3 से काट दीजिएगा या 6 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मैं 3 से काट के दिखा रहा हूँ, फिर भी आपको ये आ गया 21, तो ये एवरेज आ गई आपकी 10.5. ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ एवरेज कैसे निकाली हमने, जितनी हमें क्वांटिटीज गिवन होगी सबको हम टोटल कर लेंगे, फिर जितनी वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी हम उससे डिवाइड कर लेंगे और वो आपकी गिवन एवरेज आ जाएगी. समझ आया आपको, क्लियर हुआ? आप दोबारा देखिए, एक बार ध्यान से देखिए. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए के पास 8 पेंसिल है, बी हैज 10 पेंसिल्स एंड सी हैज 15 पेंसिल्स, देन एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स विद देम. बस सिंपल वही हमें करना है कि ए के जितनी टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो डिवाइड कर देनी है और जितने बंदे हैं उनसे डिवाइड कर देना है. फिर एवरेज देखिए आप, फिर से इसमें क्या आ जाएगा, 8
plus 10 plus 15 divided by 3. आपका एवरेज आ गया 25 प्लस 8 33 डिवाइडेड बाय 3. तो एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल 11 है. हम ये कह सकते हैं ए बी सी तीनों के पास एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल 11 है. अब एक और मैं आपको एवरेज के बारे में खास बात बताता हूं कि एवरेज जो मिनिमम क्वांटिटी होगी और जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी हमेशा उसके बीच में रहेगा. एवरेज हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे 50 मेरे पास मैंने आपको एग्जांपल दिया था 500 स्टूडेंट्स का, पर हर ये बताया था कि इस क्लास में उतने आते हैं, इस क्लास में उतने आते हैं. तो एवरेज हम इसलिए भी निकालते हैं ताकि हम उन्हें बराबरी बांट सके और मैं कह सकूं कि हर एक बैच में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स आए, 50 से ज्यादा ना आए और ना ही उससे कम आए, ताकि मैं सबको सब हर एक बैच को इक्वल ध्यान दे पाऊं और इक्वली पढ़ा पाऊं. अच्छा हम आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स विद सलमान अंबानी एंड दालमिया इज 60. अब इसमें देखिए हमें एवरेज पहले से ही दे रखी है. एवरेज क्या है, एवरेज इसमें गिवन है एवरेज इक्वल टू 60. अब हमें टोटल सम निकालना है तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था 60 गिवन एवरेज और नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है, तीन है. तीन हमें आदमी दे रखे ना, इनके पास तीन सेट है, सल्लू भाई दे रखे हैं, अंबानी दे रखे हैं और दालमिया दे रखे हैं. तो 60 इंटू 3 टोटल शर्ट्स हो गई हमारे पास 180. ठीक है. और अब आगे का क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन के पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करते जाइए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा. आपका समय भी काफी बचाएगा. आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसको सॉल्व करने जाओगे तो इसमें आपका समय वेस्ट होगा और वहां पर आपको पता है कि समय कितना कीमती है. टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अब देखिए अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फोर ऑफ देम रीच द शॉपिंग मॉल इन गुड़गांव एंड परचेज सिक्स शर्ट्स ईच ऑफ देम, देन द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स ईच ऑफ देम नाउ हैज. अब देखिए इसका मतलब छह शर्ट खरीदी तीन लोगों ने, तो टोटल शर्ट्स कितनी खरीदी, 6 इंटू 3 18. ठीक है. अब 180 प्लस 18 कर दीजिए आप, कितना आ गया 198. अब दोबारा फिर से एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 198 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि क्वांटिटी तो हमारे पास वही तीन है, बंदे तो वही तीन है, सिर्फ शर्ट ही तो बड़ी है. तो आपका आंसर क्या आ गया, 66. अब आपको देख करके लग रहा है कुछ कि ये छह शर्ट थी और यहां पर एवरेज 60 था, सिर्फ 6 ही ऐड हुई. तो हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ये भी एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और छोटा तरीका भी जिससे हमारा समय काफी बचेगा. क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि जब तीन लोगों ने 6 शर्ट खरीदी तो एवरेज थोड़ी बढ़ेगी, एवरेज तो उतनी ही रहेगी. 6 × 6 18 इंक्रीज होगी, 18 को आप डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 6 ही तो आएगा एवरेज. तो इसलिए हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 60 प्लस 66 ऐड करके. ये मैंने आपको तरीका करके दिखा दिया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, उसी के बाद आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल कर पाओगे. अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 400, द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज 600, फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी सी डी. हमें ए और बी की एवरेज दे रखी है पहले 400, हमें सी और डी की एवरेज दे रखी है 600. तो हमें एवरेज निकालने के लिए, चारों की एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें टोटल सम निकालना होगा. टोटल सम हम कैसे निकालेंगे, टोटल सम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हमें एवरेज दे रखी हो, एवरेज गिवन एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो ए एंड बी का टोटल सम कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया हमारे पास 400 इनटू 2 इक्वल टू 800. और ऐसे ही हमारे पास सी प्लस डी का टोटल सम कितना आ जाएगा, 600 इनटू 2 ये आ जाएगा हमारे पास 1200. अब इन चारों का टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 800 प्लस 1200 2000. अब हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटीज से डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटीज कितनी हो गई, ए बी सी और डी, चार हमारे पास नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटीज हो गई. तो हम 2000 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4. अब आप 4 से इसे काट दीजिएगा, आंसर आ गया आपके पास 500. तो ये आपकी 500 एवरेज है. ये एक तरीका है, हम ऐसे एक्सपेंड करके कर सकते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलकर. बाकी आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि इस क्वांटिटी को हम एक क्वांटिटी मान ले और इस क्वांटिटी को हम एक क्वांटिटी मान ले. अब हमने क्या करना है, हमारे पास 400 प्लस 600 कर दिया. अब हमारे पास टोटल क्वांटिटीज कितनी हो गई, 2, क्योंकि हमने ए और बी को एक मान लिया, सी और डी को एक मान लिया, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो. तो आपके पास कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर है 500.
मैंने आपको दो तरीकों से करके दिखा दिया, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज था, बिल्कुल लॉजिक वाइज, स्टेप स्टेप वाइज चलकर, और ये हमारे पास शॉर्टकट था जो हमें देखते ही स्ट्राइक हो जाना चाहिए, और प्रैक्टिस करते करते हमें ये खुद पे खुद ही स्ट्राइक होने लग जाएगा। तो आइए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ लिया एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में समझाया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर पाते हैं, और जिनसे मैथ की हिस्ट्री की जहाँ से शुरुआत हुई थी वो नेचुरल नंबर से ही शुरुआत हुई थी। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से होंगे, 1, 2, 3, 4 और ऐसे आखिरी तक जाते जाइए, कितना आ गया, 96, 97, 98, 99, 100। अब आप इतने सारे क्वांटिटीज देख के डरिएगा मत। ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं आपको इसका तरीका बता पाऊँ, आप इसका एक शॉर्टकट बता पाऊँ। तो आप देखिए 100 + 1 कितना हुआ, 101, ठीक है। ऐसे ही 99 + 2 101, ऐसे ही 3 + 98 101। अब ऐसे आप करते जाइए, जो बीच में 50, 51 होगा, ये बीच वाले क्वांटिटीज होंगी, इनका भी सम आप देखिए 101। हमारे पास 100 क्वांटिटीज गिवन थी, ठीक है। हम ऐसे करके अगर सम बनाते जाएं 101, 101, 101, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी हो जाएंगी 101 वाली, 50, ठीक है। समझ आया आपको कैसे होंगी ये, समझ आया कैसे होंगी आपको ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज 101, 50 कैसे होंगी, क्योंकि 100 हमारे पास नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटीज थी। अब उससे हमें डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 50 × 101 है, और अब डिवाइड बाय हमें इसे किससे करना होगा, डिवाइड बाय हमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज से करना होगा। ये हमारे पास टोटल सम आ जाएगा इन सब का। टोटल सम हमने कैसे निकाला, दोबारा फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। अब देखिएगा 100 से हमने 1 को जोड़ा, 2 से हमने 99 को जोड़ा, ऐसे एंडिंग वाले और स्टार्टिंग वाले हम जोड़ते गए, तो सबका सम हम देख रहे हैं 101 ही बन रहा है। तो 101 वाले हमारे पास ऐसे कितनी क्वांटिटीज आ जाएंगी अगर हम आखिरी और फर्स्ट डिजिट को 1 बनाते जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज बचेंगी हमारे पास 100 से 50, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, टोटल सम इक्वल टू 50 × 101, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल सम दिया होता है, टोटल सम हमारे पास 50 गिवन है, 50 × 101, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज हुई है, वो तो हमने बस सम निकालने के लिए एक लॉजिक निकाला था। तो अब इसका हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड कितने से करेंगे, 100 से ही। अब आप ये इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा 2, और ये इसको काट दीजिए, ये आ गया 50.5, एंड इट इज योर आंसर। इसको लंबा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा ध्यान से समझिए हमने किया क्या, लास्ट वाली क्वांटिटी को पहली वाले से प्लस कर दिया, सेकंड वाले को आखिरी वाले से प्लस कर दिया, और ऐसे ऐसे हमने फिर देखा कि हमारे पास ऐसी 50 क्वांटिटीज बनेंगी, तो हमने सम निकालने के लिए 50 × 101 कर दिया, और एवरेज निकालने के लिए हमने उस सम को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर दिया। अब इसका एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर फर्स्ट एन हंड्रेड, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, n × n+1/2। अब ये देखिए, आप समझिए n कितना है आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 100 नेचुरल नंबर्स, 100 × 100+1, 101 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 × 101। तो यही हमने टोटल सम निकाला था, और यही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स, आप सिंपली इस फॉर्मूले में उसको पुट कर दीजिएगा वैल्यू को, इससे आपका टोटल सम आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर दीजिएगा, जितनी भी आपको क्वांटिटीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है।